करीब 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां दोस्तों लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, जिस तरीके से देश में कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी किया है और दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तीसरी लहर की आशंका से बढ़ गई है कोरोना कवच की मांग। इंश्योरेंस कंपनियों को मिली बढ़े प्रीमियम के साथ पॉलिसी जारी करने की मंजूरी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी आशंका के चलते लोगों में कोविड की स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की मांग बढ़ गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से वे ऑनलाइन कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पा रहे थे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनियां एक बार फिर से कोरोना कवच पॉलिसी को इशू कर रही है, लेकिन इस बार आपको पहले से ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इन इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी सारे कोरोना के रिलेटेड क्लेम आ रहे थे, जिसके बाद से कंपनियों ने स्पेशल पॉलिसी कोरोना कवच का रिन्यूअल करना बंद कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने 48,000 कामगारों के लिए 5,000 रुपए की कोविड राहत को दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 47,996 कामगारों के लिए सोमवार को 5,000 रुपए की कोविड राहत को मंजूरी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले कामगारों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सरकारी वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी आवेदन करने में मदद मिल सके और उनकी दिहाड़ी भी नहीं छूटती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए बढ़ने पर लेवल एक सैलरी वालों को 75,108 रुपए तक का होगा फायदा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते के भुगतान का इंतजार है। सितंबर की सैलरी में 1.5 साल से अटका हुआ डीए अब मिलने वाला है। जुलाई अगस्त 2021 का एरियर भी अब साथ में मिल सकता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में 11% का इजाफा किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को 28% की दर से डीए और डीआर का भुगतान होगा और पे ग्रेड के हिसाब से 11% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसमें दूसरे अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 अगस्त से बैंक हॉलीडे वाले दिन भी अब मिलेगी सैलरी, बैंक आपके अकाउंट से ईएमआई भी काट लेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि 1 अगस्त से बैंक से होने वाले आपके कई लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है, यानी कि अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। और इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी, यानी कि अब 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजेक्शन के लिए अब वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बढ़ती हुई महंगाई के बीच महंगी दाल से अब मिलेगी राहत, सरकार ने मसूर की दाल से हटा दिया है आयात शुल्क। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को मसूर दाल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। इसके अलावा दाल पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है, इससे दाल की घरेलू सप्लाई भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस आशय का नोटिफिकेशन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों का मिशन यूपी, भारतीय किसान यूनियन का ऐलान, दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ डेरा डालेंगे किसान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ किसान डेरा डालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मिशन यूपी और उत्तराखंड का ऐलान भी कर दिया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानून को वापस ले ले, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, इसलिए हम मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से विचार करे सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक सोमवार को लखनऊ में हुई, जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण
धर्मांतरण कानून पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों को बिजली पर सब्सिडी खत्म होने की आशंका, संसद को फिर लग सकता है करंट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध की भेंट चढ़ता जा रहा है। इससे सरकार के सामने प्रस्तावित 17 बिलों को पारित कराने की चुनौती बढ़ गई है। इसमें बिजली संशोधन विधेयक 2021 को भी पास कराना भी शामिल है, जिसे केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में पेश करती रही है। लेकिन इस विधेयक के संसद के पटल पर पहुंचने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। किसानों को आशंका है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद उन्हें बिजली पर मिल रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लिहाजा वे इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के बाद गुजरात में बारिश का तांडव, 56 मार्ग यातायात के लिए बंद, अभी राहत के आसार नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि गुजरात में बीते 24 घंटे में अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे कि अनेक स्थानों पर जल भराव हो गया है और नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण राज्य के 56 मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं, राज्य सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले, जबकि एक्टिव केस अब केवल 537। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 39 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 537 बची है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से पति की मौत के बाद 791 महिलाएं हुई हैं बेसहारा, मदद देगी अब केजरीवाल सरकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने कोरोना महामारी में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की एक सूची तैयार की है और ये सूची दिल्ली सरकार को सौंप दी गई है, जिससे इन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिल सके। आयोग की महिला पंचायत टीम ने जगह जगह घूमकर 791 महिलाओं को चिन्हित किया, जिन्हें वित्तीय मदद की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी है युद्ध की धमकी, कहा कि रूस की सेना जंग के लिए तैयार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी दी है कि रूस की नौसेना शत्रुओं के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान क्रीमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहे तनाव के बीच आया है। दरअसल साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से जबरन अलग कर दिया था, लेकिन अभी भी ज्यादातर दुनिया क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन के तनाव के बीच ही रूस ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल का परीक्षण किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में भी आज से भारी बारिश की संभावना है। झारखंड बिहार में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि 26 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 27 और 28 जुलाई को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।